वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर बाय डिवीजन मेथड। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस नंबर का बाय डिवीजन मेथड। क्या नंबर है? 3249। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रख लेते हैं, ये डिवाइडेंड है हमारे पास। और क्या कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ग्रुपिंग कर लेंगे राइट साइड से। ये बन गया हमारे पास ग्रुप एक, और एक ये ग्रुप बन गया। हम ये ग्रुपिंग क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हमने स्टार्ट में फर्स्ट डिजिट को सॉल्व करना है या टू डिजिट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, पेयर बन गया ना। इसका क्या मतलब है, पता चल गया कि 32 को सॉल्व करना, अकेले 3 को नहीं करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये 3 डिजिट्स नंबर है। ठीक है, हमारे पास नंबर है, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो ये ग्रुप बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि हमने अब 5 अकेला है तो उसको सॉल्व करना है, 52 को नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम सिंपल डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिवाइज़र गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र नहीं है। डिवाइज़र क्या, जिसे डिवाइड करना है। ठीक है, वो हमें खुद से लेना है, खुद से सोचना है। तो वो क्या रूल होता है उसके लिए, कि जो यहाँ पर हमने डिजिट लेना है वही यहाँ पर हमने लेके उससे मल्टीप्लाई करवाना है, वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 2 लेती हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, लेकिन हमने 32 को सॉल्व करना है तो 2 2 ज़ार तो 4 छोटा आ जाएगा। 5 लेती हूँ तो मुझे यहाँ भी 5 लेना पड़ेगा, तो 5 5 ज़ार तो 25, वो भी अभी छोटा है। 6 लेती हूँ तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, तो 6 6 ज़ार 36, वो बड़ा है 32 से, तो 36 को इससे नीचे नहीं आ सकता। तो हम यहाँ पर 5 ही ले लेते हैं, 5 5 ज़ार क्या आ गया हमारे पास, 25। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे ही होता है सिंपल डिवाइड में भी, हम स्टेप के बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 2 में से 5 माइनस नहीं होता, हम क्या करेंगे, बोरो ले लेंगे। यहाँ पर बोरो लिया, इससे तो क्या आ जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 को माइनस किया तो 7 आ गया, इसने इसे बोरो दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, 2 2 में से 2 0, तो स्टार्ट में 0 लगाएं या ना लगाएं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 4 को अब हमने नहीं उतारना अकेले को, 49 पेयर है, ग्रुप है, तो उस पूरे को उतारना। तो माइनस करने पर हमारे पास 7 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइज़र तो हमने सोच लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइज़र यहाँ पर कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर होता है उसमें हम उसी को प्लस करके यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 5 है तो 5 में 5 को ही प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है, समझ आए। यहाँ पर देखिए कि जब हमारे पास यहाँ पर 5 था तो 5 में 5 को प्लस किया, यहाँ पर जब 2 था 2 में 2 को प्लस करके यहाँ पर लिख लिया, तो 5 में 5 को प्लस किया, 10 आ गया। अब ये मर्ज़ी है, नीट में करना है स्टेप तो कर लें, वरना मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब 10 के साथ हम ऐसा कौन सा जो है डिजिट लें, नंबर लें, डिजिट लें जो उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास यहाँ पर 749 आ जाए। 10 तो इनको प्लस करने से आया ना, अब जो यहाँ पर लेना है सिर्फ वो यहाँ पर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 6 लेती हूँ तो सिर्फ यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करवाना है, 1066 कितना होता है। ठीक है, तो अगर 7 लेते हैं तो सही है, सीधा ही बात है कि 107 को 7 से मल्टीप्लाई करवाने से 749 आ जाता है, ऐसा ही है। तो ठीक है, करके भी देखना तो आप कर लें। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 7 ही यहाँ पर लेना है, 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1077 से क्या होता है, 749 ही आता है, पूरा पूरा आ गया। यहाँ पर माइनस करेंगे और ये क्या आ गया, 0 आ गया, सही है। अब हमने क्या करना था, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था इस नंबर का 3249 का। तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखें, ये किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 3249 क्या है हमारे पास, किसके इक्वल है, 57 के। तो जो क्वेश्चन में होता है वो हमारे पास क्या होता है, आंसर होता है, समझ आया। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट जो करते हैं बाय डिवीजन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और स्क्वायर रूट जो फाइंड आउट करते हैं डेसिमल नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड, उन सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चेक कर सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।